नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। 10वें दिन बीजेपी के तमाम सभी महिला विधायक और पुरुष विधायक भगवाधारी बनकर आज सदन पहुंचे हैं। सदन के बाहर ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी उन्हें सदन की गरिमा को समझा रहे हैं। आप ही देखें इस वीडियो को। ये लोग मंडली के लोग, ढाल बजाओ ताल बजाने वाले लोग। सदन है, सदन की अपनी गरिमा है। जनता ने हम लोग को विधायक बना के भेजा है। वहाँ पे जाके आप जनता किस हाल में है, हमारे युवा किस हाल में, इस पर हम बात करते हैं। अब आप कलर पहन के आ गए। कभी जो बीजेपी ने मारा है ये वही नहीं। मैं देखिए, निश्चित तौर पर मैं अपनी ओर से तमाम भाजपा जीते हुए चाहता हूँ, और निश्चित तौर पर जो परिणाम आए जो आने वाले आए हैं, और इसी कारण देखिए हमारे मित्र भी बहुत खुश है। आपकी गमछा वाइट है, आपका गमछा क्या संदेश है? हम लोग साफ, हम लोग छल कपट नहीं जाते। आपने देखा इरफान अंसारी किस तरीके से चुटकी लेते हुए, हंसते हुए, और जिस अंदाज में वो बात करते हैं उसी अंदाज में बीजेपी को वो गरिमा तो सिखा ही रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सदन के अंदर भी बीजेपी के विधायकों के द्वारा जय श्री राम का नारा भी लगाया जा रहा था, तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें कहा कि ये पुजारी बनकर आए हैं, इन्हें मंदिर जाना चाहिए। जीत का जश्न सदन के अंदर क्यों? सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज पोस्ट, रांची।